वेलकम टू ज़ेमिन फॉर्म ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को मोबाइल डिवाइस में रन एंड डिबग कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए 3 रूल्स आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल, इनेबल डिबगिंग ऑन योर डिवाइस। पहले USB डिबगिंग जो है उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। हम लोग का जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें सेटिंग्स मेनू में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन में। उसके बाद USB डिबगिंग का जो चेकबॉक्स है उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड का 4.2 एंड उससे भी हायर वर्जन रहेगा तो उसके लिए आपका प्रोसेस अलग है। उसके लिए आपको आपका फ़ोन का सेटिंग्स मेनू में जाना पड़ेगा। उसके बाद अबाउट फोन में जाना पड़ेगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आपको 7 times टैप करना है, मतलब 7 बार आपको उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद डिबगिंग जो मोड है, डेवलपर का जो मोड है, वो टर्न ऑन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस है वो है इंस्टॉल USB ड्राइवर। आपको आपका सिस्टम में USB ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैक है तो इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास विंडोज़ है तो क्या करना पड़ेगा, आपको USB ड्राइवर को ऑन करना पड़ेगा, मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। USB ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है कनेक्ट योर डिवाइस टू द कंप्यूटर। डिवाइस को USB एंड वाईफाई दोनों को यूज़ करके हम लोग डिबग एंड रन कर सकते हैं। अगर आप USB को कनेक्ट करके डिबग करना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आप USB को आप फोन पे कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आप रन कर पाएंगे। USB को जब आप कनेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपका जो डिवाइस है। तो बेसिकली आप लोग देखिए, मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ डिवाइस है जो बिजनेस स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद, ज़ेमिन को इंस्टॉल करने के बाद आया था। अब देखिए मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम में मेरा USB डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद जो मेरा मोबाइल डिवाइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन का नाम यहाँ पे आ गया है। आप इसमें डिबग कर सकते हैं एंड आपका मोबाइल फ़ोन में भी रन कर सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग वाईफाई से कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये भी थोड़ा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपका जो डिवाइस है, डिवाइस का सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे वाईफाई का जो सेटिंग्स है वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो वाईफाई डिवाइस का, मतलब आपका जो मोबाइल डिवाइस का वाईफाई का IP एड्रेस है उसको कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका जो डिवाइस है फर्स्ट टाइम आपको USB के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। USB के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा टूल्स में। उसके बाद एंड्रॉयड एंड ADB कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ADB TCP/IP 5555। उसके बाद एंटर दबाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जो USB डिवाइस है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ADB कनेक्ट। उसके बाद आपका जो IP एड्रेस है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो पोर्ट नंबर है 5555, उसके बाद एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो डिवाइस है, डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है। अब आपका जो USB डिवाइस है उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद भी आप देख पाएंगे आपका जो डिवाइस है वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आपका जो डिवाइस है, डिवाइस यहाँ पे एमुलेटर के जो नाम रहता है वहाँ पे आ गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके डिबग एंड रन कर सकते हैं। वाईफाई में रन करने के बाद अगर आप कभी भी USB में रन करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको USB में आपको बैक आना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका जो ADB कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ADB USB, उसके बाद एंटर दबा देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका वाईफाई का डिवाइस है, देखिए रिस्टार्ट हो गया है, यहाँ पे चला गया है। उसके बाद ये USB मोड में ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए फिर से आपको USB को कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया कैसे हम लोग डिवाइस को यूज करके यूएसबी एंड वाईफाई के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट को रन एंड एग्जीक्यूट एंड डिबग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग जैमरिन का पिकर को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।